दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि सामान्य से सामान्य किसान से लेकर डेयरी उद्यमी तक के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आज आप देवनी गाय तथा उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। देवनी गाय भारत में मवेशियों की एक देसी नस्ल है। इसको कर्नाटक राज्य के तुलका और महाराष्ट्र राज्य के लातूर में उत्पन्न माना जाता है। ये जानवर तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के निकटवर्ती इलाकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस नस्ल को सुरती, डोंगरी, सिवेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। शरीर का रंग आमतौर पर धब्बेदार काला और सफ़ेद होता है। देवनी एक मध्यम आकार का जानवर है, जिसकी बड़ी हद तक शारीरिक संरचना गिर जैसी ही है। इसका शरीर मामूली रूप से विकसित होता है। लटकते कान और उभरा माथा इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी गर्दन छोटी और मजबूत होने के साथ अच्छी तरह से विकसित होती है। इन जानवरों की त्वचा मोटी होती है और वह इनके शरीर से ढीली लगी हुई होती है। यह जानवर विनम्र और शांत स्वभाव के होते हैं। इनके बाल मुलायम और छोटे होते हैं। इन जानवरों को आमतौर पर शुष्क भूमि या खेतों की मेड़ों में चराई द्वारा पाला जाता है। देवनी गाय को होल्स्टीन और जर्सी गाय के साथ क्रॉस ब्रीड कराया जाता है, ताकि ये उचित मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर सकें। देवनी गाय अच्छी दुग्ध उत्पादक नस्ल मानी जाती है। यह प्रतिदिन 8 से 10 लीटर तक दूध देती है। इसके दूध में औसतन वसा 4.3% होती है। दूध की मात्रा, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन जानवरों में क्रॉस ब्रीडिंग सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपने देवनी गाय के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।